आप सभी को नमस्कार और राम राम। मैं आपकी अवनी चौधरी, मुझे आज आप सभी के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने का एक सुनहरा मौका मिला है और उसके लिए मैं MS जादूगर सम्राट और ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरे विचारों का शीर्षक है निशा निशा निशा। हमारे देश का भविष्य युवाओं पर टिका हुआ है। अगर हमारी देश की युवा पीढ़ी ही गलत रास्ते पर जाने लगी तो निश्चित ही उनका भविष्य अंधकार में चला जा रहा है। युवाओं के हाथ में अपना वह हमारे देश का भविष्य है। आज के युवा वर्ग निशे को ही अपनी शान समझने लगे हैं। शराब, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट बड़े शौक से पीते हैं। उनको नहीं पता ये जीवन कितना अनमोल है। वे अपना जीवन अंधकार में डाल रहे हैं। भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया है, शरीर की कदर करो, जिंदगी अच्छे ढंग से जियो, जिंदगी का आनंद लो। निशा वो दलदल है, निशा वो दलदल है जिसमें अगर एक बार फंस जाओ तो चाह कर भी नहीं निकल पाओगे। निशे की लत से दूर रहने में ही भलाई है, वरना जीवन में कठिनाई ही कठिनाई है, वरना जीवन में कठिनाई ही कठिनाई है। निशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद निशे की नहीं मंजिल की रखो। देश के हर हिस्से में फैला है निशे का जाल। आज के युवा वर्ग हो रहे हैं निशे का शिकार। जिस युवा पीढ़ी को बनना है सुंदर समाज, वही कर रही है अपना जीवन बर्बाद। ये निशे की लत है बड़ी बुरी, निशे की लत है बड़ी बुरी। ना समझ इंसान इसे समझ नहीं पाता, बिना निशा किए रह नहीं पाता। एक दिन ऐसा आएगा कि उम्र से पहले ही मर जाओगे। देश और देशवासियों, वे मेरे युवा साथियों, हमें नशे को जड़ से उखाड़ना होगा, तभी हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। इंसान अगर ऐसे ही नशे के पीछे दौड़ता रहा तो अपने जीवन में कठिनाई ही कठिनाई पाएगा। तेरा परिवार तुझसे उम्मीद लगाए बैठा है, तू चाह कर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। मेरे युवा साथियों, आपकी उम्र में हमारे वीर जवानों ने देश के लिए क्या क्या तक नहीं किया था, जान तक दे दी थी। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, झांसी की रानी, उनसे सीखो, उन्हें देखो और आज के युवा वर्ग को देखो। अपनी जिंदगी, अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे, देश तो दूर की बात है। इस निशे ने न जाने कितने परिवार, न जाने कितने समाज उजाड़े हैं। निशे की आदत भी कहलाचारी है, निशे की आदत भी कहलाचारी है।